राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले हमने आपको पिछली वीडियो में ये वाली ड्रेस बनानी सिखाई थी, आज हम आपको इसके साथ की इस तरह की कैप, कान्हा जी की, और इस तरह का मफलर बनाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहिए इस तरह की फोम शीट, आप इसकी जगह बुकरम और कार्डबोर्ड शीट भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं 7 नंबर के कान्हा जी के लिए जो है ये कैप बनाने जा रही हूँ। तो ये हमने ड्रेस जो है वो 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई थी। तो इसके लिए हम साथ हम मैचिंग मुकुट और मफलर बनाएंगे। क्या उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह की एक लंबा कपड़ा ले लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने इस पर सिलाई करके एक लंबी स्ट्रिप जो है कट कर ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कैसे करना है, आपको कोई भी बड़ी या छोटी इस तरह की सुई लेनी है और उसके पीछे इस तरह से डबल धागा डाल के गांठ लगा लेनी है। आपको इसको दोनों साइड से ओपन रखना है, देखिए, और इसकी एक साइड से इस तरह से सुई डाल के गांठ के बीच में से इस तरह से निकालना है और बाद में सुई को इसके अंदर डालना है। ध्यान रहे कपड़े के बीच में ना आए सुई, जैसे हम नाला डालते हैं इस तरह से। अब हमें इसको इधर से अंदर करना है कपड़े को, ताकि ये सीधा हो जाए। इस तरह से इसको खींचते जाएंगे तो उधर की साइड है जो इस साइड से बाहर आ जाएगी। देखिए ये हमारी सीधी हो गई है और बाद में आपको यहाँ से धागे को जो है कट कर देना। क्या ये हमारा जो मफलर है वो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, दोनों तरफ से सुई से स्टिच करके दोनों तरफ से पोम पोम लगा देंगे तो हमारे कान्हा जी के गले में मफलर डालने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको बांधना कैसे है, हमें इस तरह से कान्हा जी के गले में इस तरह से डालना है और इधर डबल वाली साइड से इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी पोम पोम बोल जा जाएंगी। ठीक, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह से इसको कपड़े को जो है अंदर करना है ताकि हमारे धागे ना निकले। देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हम ये वाला जो पोम्पोम है ये अटैच कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल ही यूनिक ड्रेस है, कान्हा जी को डाली हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मफलर बन गया है हमारा। अब हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने फोम शीट ली है, पांच 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हम 5.5 की एक स्ट्रिप कट करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली जो कैप है इसकी जो लंबा ऊंचाई है वो 5.5 है, तो हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। एक पतली स्ट्रिप कट करेंगे, इस तरह से। जब हम इसको कट कर लेंगे ये हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको
ग्लू की मदद से इस तरह से चिपका लेंगे यहाँ से, इस तरह से। तो मैं इसको चिपकाने के लिए फेविबोंड यूज़ कर रही हूँ, आपको ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। ये थोड़ी हार्ड होती है, इससे जल्दी चिपक जाएगा। ठीक है, हमें इसको इस तरह से थोड़ी देर पकड़ के रखना है तो ये चिपक जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से एक गोल सर्कल कट करना है। इसके नाप का ये हमारा ये ऊपर वाला सर्कल है, नीचे वाला हम बाद में कट करेंगे। देखिए हमने सर्कल कट कर लिया है, अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाला सर्कल है जो इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसके लिए मैंने हॉट ग्लू यूज की है। इस तरह से एक थोड़ा बड़ा सर्कल कट करना है, ये वाला जो हमने इसके नीचे ये वाला सर्कल लगाया हुआ है। ये सर्कल फ्रेंड्स आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमें ज्यादा परफेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ इसके ऊपर अपनी जो फ्रिल है वो अटैच करनी है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया, अब हम इसको कट करेंगे। ये कॉटन रखूंगी और कॉटन रखने के बाद इस फैब्रिक को इस तरह के इसके ऊपर जो है पूरे में लपेट दूंगी। कॉटन रखने से क्या है, हमारी जो ऊपर की फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने कवर कर लिया है क्लॉथ के साथ। अब हमने ये जो बड़े वाला सर्कल कट किया था, हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसको बराबर करके। और इसको सेंटर में से हमें इस तरह से जो है कट कर देना, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा जो हमने ये बेस नीचे लगाया है, ठीक है। ये अभी कहीं से मोटा है कहीं से पतला, हम इसको बराबर करेंगे। हमें इसकी पतली सी स्ट्रिप चाहिए बिल्कुल, नहीं तो ये नीचे से फ्रिल के नीचे से नजर आएगा। देखिए मैंने इस तरह से इसकी पतली स्ट्रिप कट कर ली है। इसके ऊपर भी कपड़ा पेस्ट करना है इस तरह से। इसके ऊपर कपड़ा कैसे पेस्ट करना है, इस तरह से सर्कल कट करना है। मैं प्लेन कपड़ा पेस्ट कर रही हूँ, आप इसके साथ का भी पेस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं पूरे पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, ये वाली। ये भी आपको स्टेशनरी शॉप पे या क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगी। और इसको उल्टा करके इस तरह से इसके ऊपर हमने पेस्ट कर देना है। अब हमने बीच में एक कट लगाया, और हम इसको हल्का हल्का जो है कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने कट कर लिया है, अब हमने इसके अंदर जो है इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगाने हैं ताकि हम इसको इजीली जो है
फोल्ड कर पाए। अब हम इसके यहाँ इस साइड भी ग्लू लगाएंगे। आप किसी भी ग्लू का यूज कर सकते हैं। और हम इसको इस तरह से के ऊपर कपड़ा जो है पेस्ट हो गया। वाली फ्रिल बनाने के लिए हम इस तरह से लंबी स्ट्रिप लेंगे। हमें क्या करना है, इसको एक साइड से इस तरह से करके हल्की सी मोड़ मोड़ के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। आप ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हो और हाथ से भी स्टिच कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रिल बनाने के लिए हल्का हल्का स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी इधर वाली साइड जो है सिलाई मोटी बखिये की सिलाई करेंगे और उस धागे को खींच के इधर वाली साइड हम चुन्नट डाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सिलाई कर ली है। अब हम ये सिलाई करते हुए जो हमारे धागे होते हैं ये वाले, इनको एक धागे को खींच के इस तरह से हल्के हल्के चुन्नट डालेंगे। आपको चुन्नट इस हिसाब से डालने हैं कि हमारे सर्कल के ऊपर ये पूरी फ्रिल जो है फिट आ जाए। इधर अब दूसरी साइड से निकाल लेंगे थ्रेड और इधर से खींचेंगे। देखिए तो हमारी ये फ्रिल बन के भी रेडी हो गई है। ये हम सर्कल के ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे। इन साइड है, इसको नीचे करना है और दूसरी साइड पे फ्रिल इस तरह से रख के हमें फ्रिल पेस्ट करनी है। क्या अभी मैं फ्रिल पेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रिल पेस्ट कर ली है इसके ऊपर। अब हम इसके जो एक्स्ट्रा धागे थे ये कट कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर जो है अपना ये वाला जो हमने कॉटन लगा के रेडी किया था पीस, इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया पूरा। अब फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। देखिए हमने ये पेस्ट कर लिया इसके ऊपर। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। पहले हम इसके ऊपर इस तरह से रिबन लगाएंगे इस तरह से। चलिए रिबन पेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं हॉट ग्लू का यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा हॉट होती है तो बी केयरफुल। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रिबन है वो अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेकोरेशन। हमने जो कान्हा जी के सिर पे है इसको इस तरह से पहनाना है, इस तरह से। तो हम यहाँ साइड में लगाएंगे। थोड़ी सी हमने हॉट ग्लू लगाई। इसके ऊपर पहले हम ये फैदर पेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा है तो हम इसको पहले थोड़ा कट कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम इसके ऊपर एक ये पोमपोम लगाएंगे। और अब हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरह का एक फ्लावर। और अब हम इसके बीच में लगाएंगे ये छोटा सा पर्ल।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी कान्हा जी की कैप है जो वो बन के रेडी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे कितनी सुंदर लगेगी। कि फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस, मफलर और कैप जो है बन के रेडी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।